जब तक केंद्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से नहीं हटा देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सोलापुर में गरजे शरद पवार। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि जब तक केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार को सत्ता से नहीं हटा देते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। सोलापुर में 84 साल के वरिष्ठ नेता पवार ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी MVA गठबंधन को मजबूत करने के लिए वाम दलों और प्रकाश आम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी VBA से बात कर रही है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन ये निमंत्रण कार्ड दिखाता है कि केवल विशिष्ट राजनीतिक दल और संगठन ही इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वो भगवान राम की पूजा करने के लिए अयोध्या जाएंगे। चुनाव आने पर बीजेपी को राम की याद आती है। पवार ने कहा कि चुनाव आने पर बीजेपी को राम की याद आती है। भगवान राम पूरे देश के हैं, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। ईडी को लेकर भी बोला हमला। केंद्र पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने दावा किया कि सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने और उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों को हराने के लिए जनता के पास जाना होगा। सीट बंटवारे के बारे में पूछा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रकाश आम्बेडकर की वंचित बहुजन अखाड़ी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, PWP और वामपंथी दलों को महाविकास अघाड़ी MVA में लाने के लिए बातचीत चल रही है। वर्तमान में MVA में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, UBT कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाला NCP गुट शामिल है।